हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आप भी अपनी फेसबुक आईडी का नेम स्टाइल में चेंज करना चाहते हैं, उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं एकदम स्टाइल के अंदर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। ये मैंने पहले से गूगल क्रोम ओपन कर रखा है। अब इसके अंदर आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, इसमें फॉन्ट स्टाइल ऑनलाइन। ये देखिए, हमने जैसे फॉन्ट स्टाइल ऑनलाइन कर लिया, आप इसके अंदर अब जैसे कोई भी फर्स्ट या सेकंड कोई भी सर्च सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे हम पहले ऊपर वाला ले लेते हैं, फर्स्ट वाला इलीगो वाला, तो इस पर क्लिक कर लिया, इसे ओपन कर लेते हैं साइट को। अब इसके अंदर क्या आ गया, फॉन्ट चेंजर। ये देखिए, हमारे पास फॉन्ट चेंजर आ गया। फॉन्ट चेंजर में क्या है, हमारे पास यहाँ देखिए नॉर्मल टेक्स्ट दे रखा है, तो आप यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट सर्च कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, यहाँ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, आपकी जिस भी नेम से अकाउंट है। ये देखिए, ये देखिए मेरा जैसे टीना जिंगला के नेम से है। अब इसके अंदर ये देखिए, आपको यहाँ इस साइड अलग अलग स्टाइल में फॉन्ट सिखाई दे रहा है। आप जो भी स्टाइल में फॉन्ट चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं, वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट है। तो इसको इसमें आपको जो भी पसंद है वो ले सकते हैं आप। जैसे हम इसमें एक ले लेते हैं अलग से, ये देखिए ये हमने ऊपर वाला है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉपी हो गया। अब आप अपने फेसबुक आईडी ओपन कर लीजिए। ये देखिए, हमने हमारी फेसबुक आईडी ओपन कर लिया। अब इसके अंदर आपके पास ये थ्री लाइंस दिखाई दे रहे हैं, इन थ्री लाइंस पर क्लिक कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग्स, सेटिंग्स पर क्लिक कर लेंगे। फिर सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, हम इसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो गया है। अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए नेम, तो नेम पर एडिट कर लेंगे। ये देखिए, हम जैसे नेम एडिट कर लिया, अब इसके अंदर ये देखिए फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सर नेम दिखाई दे रहा है। आप जो भी जिस भी प्रकार से चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लगभग जैसे फर्स्ट नेम और सर नेम ही चेंज करते हैं। तो चलिए, जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर लेते हैं। आप इसे यहाँ पेस्ट कर लीजिए, ये देखिए। तो अभी जैसे हमें यहाँ फर्स्ट नेम ही रखना है, तो इसे ये हटा दीजिए, फिर सर नेम पर क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ फिर दोबारा से फिर पेस्ट कर लेंगे और फिर यहाँ टीरा को हटा देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इस प्रकार नेम टाइप हो गया है। फिर ये देखिए, हम जैसे रिव्यू चेंजेस पर क्लिक करेंगे, तो इसमें क्या है कि इसमें दिखाई दे रहा है कि आप 7 दिन के बाद ही अपना नेम चेंज कर सकते हैं, इससे पहले आप नेम चेंज नहीं कर सकते। ये आप चाहे 20 दिन 30 दिन में करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। ये जब भी चेंज होगा, अगर आपने पहले से चेंज किया है तो उसके 7 दिन बाद ही ये चेंज कर सकते हैं नेम। तो अब जैसे रिव्यू चेंज पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए प्लीज़ एंटर योर प्रोफाइल नेम यूजिंग ओनली लेटर। तो ये देखिए, लेटर में दिखाई दे रहा है, तो लेटर में ही चेंज करना है आपको। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप भी फॉन्ट स्टाइल में अपना फेसबुक आईडी का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।